हेलो really we'll प्यारे दोस्तों वेलकम बैक चैनल आई होप आप एकदम अच्छे से होंगे आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ अपना 5:30 थर्टी एम मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी आप एंड तक जरूर देखिएगा इस साल समर वेकेशन है तो चलते रही हूँ ना मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़राब नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा थे लास्ट वन मंथ से तो उनकी आदत थी सुबह जल्दी उठने की और मेरी भी आदत बनी ही हुई थी स्कूल डेज से तो साथ साथ ही बस जल्दी ही नींद खुल जाती थी तो ये हैबिट कंटिन्यू मैं कर रही हूँ अभी भी मैं बहुत लेट उठती नहीं हूँ फ़ाइव फिफ्टीन के अराउंड उठ के नीचे आते आते मुझे फ़ाइव थर्टी हो जाता है और सबसे पहले आते ही मैंने अपना पानी गर्म करने के लिए रख दिया है जब तक पानी हल्का सा गर्म होगा तब तक जितने भी मतलब किचन के मिसलिनियस काम होते हैं सुबह सुबह वाले बादाम छील के रखना डिश वॉशर खाली करना वो सब किया और अब एक झलक बाहर की देख लेते हैं क्योंकि समर टाइम है और शिकागो की समर्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा अच्छी हवा सी चल रही होती है ठंडा सा ही होता है बाहर निकलते एकदम मज़ा आ जाता है और मैं प्रेफ़र करती हूँ कि बाहर बैठ के ही अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करूँ चलते हैं बेसमेंट में मैं बस अभी लॉग इन करूंगी आज मेरा वर्कआउट सेशन डे है मैंने रिसेंटली इंडिया से एक वर्कआउट ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया है थ्री डेज अ वीक मेरा सेशन होता है अराउंड फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स का और जब भी आप इस टाइप की कोई एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करते हो ना तो इनिशियल डेज में मसल्स में बहुत पेन रहता है सोरनेस रहती है बट इट फील्स सो गुड आई मीन अगर आप सुबह सुबह वर्कआउट करते हो मे बी सिंपल वॉकिंग ही आपको इतना एनर्जेटिक पूरा दिन फील होता है ना और कहते हैं ना एक अच्छी मशीन को चलाने के लिए उसमें अच्छा फ्यूल जाना चाहिए उसकी मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए इसी तरीके से हमारा शरीर भी है एक मशीन की तरह है. अच्छा खाना खाओ गुड नाइट स्लीप लो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी बॉडी को देनी चाहिए वेट मैटर नहीं करता आपका कम हो रहा है नहीं हो रहा बट अगर आप रेगुलरली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहते हो हेल्दी मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्दी घर का खाना खाते हो तो आई थिंक इट इज़ गुड टू गो तो बस यहाँ पर मैं कुछ बेसिक स्ट्रेचेस करूँगी एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद मैंने शावर भी ले लिया है अभी सावन का महीना चल रहा है तो बस अभी मैं अपने शंकर भगवान जी को जल चढ़ाऊंगी ब्रेकफास्ट में आज घर पे बनेगी साव साबुदाने की खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में किसी का फास्ट नहीं है मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट में कभी कभी बना लेती हूँ बस इसमें ना एक बात ध्यान रखनी होती है एक रात पहले आप थोड़े से पानी में इसको सोख करके जाओ मतलब जितना आप साबुदाना ले रहे हो ना वो साबुदाना बस पानी से कवर हो जाए बहुत ज्यादा पानी कर दोगे तो एकदम वो फट जाती है खुल सी जाती है बट ये देखो एकदम थोड़े से कम पानी में भिगाओगे ना तो एक दाना इसका ऐसे खिल जाता है तो बस अभी बनाते हैं मैंने चॉपिंग कर ली है आलू डालती हूँ इसमें मैं आ, हरी मिर्च और धनिया और थोड़ी सी मूंगली में कूट के ऐड करूँगी मैं ऑलिव ऑयल में कुक करने वाली हूँ खिचड़ी तो बस इसमें जीरा ऐड करूंगी हरी मिर्च थोड़ी सी कुटी हुई मूंगफली और एक ये मैंने कच्चा आलू ऐड कर दिया जिसे मैं नमक डाल के अच्छे से कुक कर लूंगी और उसके बाद इसमें मैं साबूदाना ऐड कर लूंगी और साबुदाने में भी ना मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर ली थी आप चाहो तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हो ऑनेस्टली मैं उस दिन टमाटर ऐड करना बिल्कुल भूल गई थी ऊपर से थोड़ी सी चीनी लेमन जूस और पत्ता से इसे मैं गार्निश कर लूंगी और साबूदाने की खिचड़ी तो ऐसी है कि मतलब मिनट्स में बन जाती है और सच बताऊं साबूदाना बहुत ज्यादा हेल्दी होता है बच्चों की छोटे बच्चों की बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं साबूदाने की चाहे वो खिचड़ी हो साबूदाने की खीर बहुत बच्चों को खिलाई जाती है तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी और भी इस टाइप की मैं बहुत सारी रेसिपीज ब्रेकफास्ट में अपने घर में बनाती हूँ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एक सेपरेट वीडियो में सारी ब्रेकफास्ट रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं मेक श्योर sure करती हूँ कि जो भी घर में बनाओ ना वो बच्चे जरूर खाएं मतलब बच्चों को भी घर के खाने का फ्लेवर डेफिनेटली होना चाहिए यार अनहेल्दी फूड हम बच्चों को डेली बेसिस पे नहीं खिला सकते बट हाँ घर में जो बनता है वो बच्चे जरूर खाएं और शौक से खाए आई गेस हम सारी लेडीज अपनी किचन से बहुत अटैच्ड होती हैं और हम एकदम से एक्साइटेड जाते हैं जब हमें अपनी किचन में कोई भी छोटा बड़ा एडिशन करने को मिलता है तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे ये एयर फ्रायर अवन रिसीव हुआ है एज अ पी फ्रॉम द ब्रांड कंफी सबसे पहले तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं कैपेसिटी की बात करूँ इस एयर फ्रायर एवन की तो ये एकदम फैमिली साइज एयर फ्रायर एवन है ट्वेंटी फाइव लीटर्स का इसका कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है आप इजीली इसको अपने काउंटर टॉप पर रख सकते हैं इसकी सिक्स एसेसरीज इसके साथ ही आती हैं इसमें बेकिंग ट्रे है बेकिंग रैक है क्रम ट्रे है जिससे कि आप नीचे इसे बॉटम में लगा सकते हो जब भी आप कोई कुकिंग वगैरह करते हो तो कोई भी खाना अवन के अंदर नहीं गिरेगा इट मेक्स द क्लिनिंग प्रोसेस ईजियर एयर फ्राई बास्केट है और अगर आप नॉन वेज वग़ैरह कुक करते हो तो इसके अंदर रोटी सरी किट एंड फोर्ट भी इसके साथ ही मुझे रिसीव हुआ है और इसके अंदर ट्वेल्व कुकिंग फंक्शन हैं टू चूज फ्रॉम आई मीन इसके अंदर ऑफकोर्स आप एयर फ्राई कर सकते हो फॉर हेल्दियर कुकिंग टोस्ट वॉर्म पिज्जा बेक कर सकते हो बेकिंग के लिए ये बहुत परफेक्ट है ब्रॉयल रोटी सेरी या फिर डीहाइड्रेट के इसके अंदर ऑप्शन हैं, लाइट का बटन है जैसा कि आप देख सकते हो देर इज अ टेम्परेचर कंट्रोल वाइट टेम्परेचर कंट्रोल आप इसके अंदर कर सकते हो टाइमर सेट कर सकते हो सो देर आर स दैट यू कैन चूज फ्राम नावर डेज ऑफ पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स हेल्थियर कुकिंग लेस ऑयल कुकिंग फॉर विच दिस एयर फ्रायर ओवन प्लेज अ ग्रेट रोल बिकॉज आजकल कढ़ाई चढ़ा के तलना भुनना बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं डेली बेसिस पे तो एयर फ्रायर ओवन में आप बहुत ही कम ऑयल में चीजें अच्छे से कुक कर सकते हो देर आर लॉड ऑफ रेसिपीज दैट यू कैन एक्चुअली मेक इन दिस एयर फ्रायर अवन सबसे पहले तो चलिए इसका एयर फ्राई ऑप्शन टेस्ट करते हैं इसे हमने प्री हीट पे लगा दिया है और हम सब की पेंट्री में फ्रीजर में बहुत सारे फ्रोजन स्नैक्स हम लोग रखते ही है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ बनाने का मन नहीं है या फिर एकदम इंस्टेंटली कोई गेस्ट आने वाला होता है तो ये सारे फ्रोजन स्नैक्स बहुत काम आते हैं हम लोग पटेल स्टोर से ये पनीर चिली समोसा लेकर आए थे आज इन्ही को हम एयर फ्राई करके देखते हैं ये एक बार फ्राइड होते हैं उसके बाद आई गैस इन्हें डीप फ्रीज किया जाता है तो इसमें मैंने कोई भी ऑयल यूज़ नहीं किया बस बेकिंग ट्रे पे इस तरीके से फैला दिया है और अपने एयर फ्राई अवन में मैंने रख दिया है विद इन लाइक सिक्स टू सेवन मिनट्स ये इतने अच्छे क्रिस्पी बन गए थे ना मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि इसे आपने एयर फ्राई किया है इसे आपने डीप फ्राई नहीं किया अभी इसको निकाल के मैं दिखाती हूँ एकदम मतलब क्विक आपको कोई, को कोई स्नैक बनाना है जल्दी से कोई गेस्ट आने वाला है तो आप फटाफट इसमें इस तरीके से स्नैक्स रेडी कर सकते हो और ये देखिए कितने क्रिस्पी कितना मतलब बाहर का क्रस्ट भी एकदम कितना क्रिस्पी सा लग रहा है ऑयली लग रहा है मतलब लग रहा है कि आपने इसे अच्छे से बनाया है तो चलिए अब बनाते हैं घर का पिज्जा आजकल तो बच्चों की डिमांड हर रोज ही रहती है पिज्जा पास्ता वगैरह खाने की और बाहर का पिज्जा आप डेली डेली बच्चों को नहीं खिला सकते तो देखिए मेरे पास एक हेल्दी ऑप्शन है मैंने क्या किया जो घर में हम आटा लगाते हैं उसी की मैंने एक पराठा टाइप का बना लिया थोड़ा सा कच्चा पक्का सेका दोनों साइड से एक साइड पे हमने पिज्जा सॉस डाल दी वाइट एंड रेड वाली दोनों उसके बाद हमने कुछ इटालियन हर्ब्स ऐड कर दिए फ्रेश मोजरेला चीज़ ऐड कर दी वेजीज ऐड कर दी थोड़ा पनीर ऐड कर दिया ऊपर से और थोड़ा सा गार्लिक सॉल्ट ऐड कर दिया फ्लेवर के लिए ऑलिव्स बहुत अच्छे लगते हैं पिज्ज़ा में तो ऑलिव ऐड कर दिए बेसिकली टॉपिंग्स तो आप अपने चॉइस की कर सकते हो अपने बच्चों के चॉइस के ऐड कर सकते हो ऊपर से फिर से थोड़े से हर्ब्स ऐड करके आ बस इसे हम पिज्जा ऑप्शन पे रख देंगे अच्छा इसमें ना आप पिज्जा का साइज भी चूज कर सकते हो कि आपका पिज्जा सिक्स इंच का है नाइन इंच का है और ये बहुत ही अमेजिंग सा बन के रेडी होगा देखिए कितना बढ़िया बना है मतलब इसमें पूरी चीज वगैरह सब एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी इफ इन केस यू वांट टू चेक आउट तो आप ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा आज लंच में मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाते हैं और बहुत दिन हो गए मैंने अपने हाथ से ना एक प्रॉपर इंडियन थाली नहीं बनाई है तो सोचा आज एक प्रॉपर इंडियन थाली बना के रेडी करती हूँ सबसे पहले तो बनाऊँगी कद्दू की सब्जी जिसके लिए मैंने लिया है ये बटरनट स्कोश मेरी एक फ्रेंड ने मेरे पेरेंट्स को डिनर पर इन्वाइट किया था उसने अपने घर पर बटरनट स्कॉश की सब्ज़ी बनाई थी एंड ऑनेस्टली इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँगी इसको कट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है पहले आप इसे ना पील कर लीजिए अच्छे से उसके बाद आप हाफ में कट करके इसके लंबे लंबे स्लिट्स लगा लीजिए इस तरीके से उसके बाद हाथ में पकड़ के चॉप करेंगे, तो करें, तो मतलब करेंगे ना तो अच्छे से आराम से चॉप हो जाएगा और साथ में मैं बनाऊंगी मलका मसूर की दाल तो उस दाल को बहुत ज्यादा आपको सो करके रखने की जरूरत नहीं होती बहुत जल्दी कुक हो जाती है बस आप कुकर में डालिए और पानी में मतलब आपको ना तीन चार बार अच्छे से उसे वॉश कर लेना है क्योंकि आज आजकल ना दालों पे इतनी ज्यादा पॉलिश होती है मतलब आप जब एक बार वॉश करेंगे तो एकदम पीला पीला पानी निकलता है तो जब तक एकदम पानी क्लियर ना हो जाए तब तक आप अच्छे से इसको वॉश करिए उसके बाद हल्दी और नमक डाल के इसको बहुत ज़्यादा देर प्रेशर कुक भी नहीं करना होता बस एक सीटी आए तभी आप बंद कर दीजिए अदरवाइज़ ये दाल का एकदम हलवा बन जाता है और दूसरी तरफ मैं वॉक में बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी सौंफ मेथी दाना और मस्टर्ड सीड्स और ये कद्दू ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा नमक बेसिक से मसाले जैसे कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला और कवर करके कुक करेंगी कद्दू को प पकने में करीब 10 से 15 मिनट लगेगा क्योंकि ये थोड़ा टाइट होता है ना जब तक ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आप इसे कुक करिएगा लास्ट में थोड़ी चीनी थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड किया है और गार्निश कर लीजिए धनिया पत्ता से इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती और आजकल मैं ना ये तितली वाली हींग यूज़ कर रही हूँ इंडिया से मंगवाई थी मैंने मतलब इतना अच्छा अरोमा आता है ना खाने में एकदम जायका ही चेंज हो जाता है खाने का दाल में सिंपल मैंने प्याज टमाटर का तड़का लगाया है और ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिया गार्निश करने के लिए तो ये दोनों सब्जियां बनके मतलब मेरी रेडी हो गई और साथ में अब मैं फटाफट पराठे बना के रेडी करूँगी और सारा खाना बनाने के बाद अब करते हैं खाने की प्लेटिंग तो दोस्तों जितने मन से हम खाना बनाते हैं ना उतने ही मन से हमें इसे प्लेट भी करना चाहिए क्योंकि कहते हैं पहले हम खाना आंखों में उतारते हैं उसके बाद हमारे दिल में और पेट में उतरता है तो यहाँ पे दाल रख दी कद्दू की सब्जी रायता चावल साथ में ये गाजर गोभी का अचार और पराठे मतलब हो गई ना ये थाली रेडी कितनी सिंपल येट एकदम देखने में लग रहा है प्रॉपर इंडियन खाना कोई आपके घर में गेस्ट आने वाला हो हल्का फुल्का आपको कुक करना हो तब भी ये थाली आप बना के रेडी कर सकते हो जस्ट आपको हाफ एन आवर लगेगा पूरी थाली रेडी करने में और जब भी मैं इस टाइप का कुछ स्पेशल खाना बनाती हूँ प्रेफर करती हूँ वैसे तो हम हर मील मोस्टली साथ में बैठ के ही खाते हैं बट डे टाइम में क्या होता है कभी उनकी मीटिंग चल रही है कभी बच्चों के साथ मैंने खा लिया तो ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है बट आज पहले दोनों बच्चों को खिला दिया था और हम दोनों साथ में बैठ के एक प्लेट में शेयर करके खाएंगे और हाँ बच्चों की प्लेट भी रखी है जो भी लेफ्ट ओवर है उनका हम जरूर खाएंगे क्योंकि बच्चे कद्दू वगैरह की सब्जी ना बहुत ज्यादा नहीं खाते फिर भी मैं उनकी प्लेट में रखती जरूर हूँ कि एटलीस्ट वो लोग ट्राई करें थोड़ा बहुत ही सही धीरे धीरे करके बच्चों का टेस्ट डेवलप होता है अपने घर के खाने को लेके और ये मील टाइम ना मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब खाना खाते खाते हम एक दूसरे से बात करते करते मतलब एक अलग सा कनेक्शन होता है कहते हैं ना family that eats together stays together खैर बच्चों को पहले इसलिए खिला देते हैं जिससे कि हम आराम से अपना फूड इंजॉय कर सकें अभी समर वेकेशन चल रही है तो बच्चों की भी फुल ऑन एश चल रही है कितना भी आप बच्चों को इंगेज करने की कोशिश करो एट सम पॉइंट वो फिर से बोलना स्टार्ट कर देते हैं मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ आप कितना भी उन्हें पार्क ले जाओ कितनी भी एक्टिविटीज घर में कर लो बट दे स्टिल नीड टी टाइम तो थोड़ा बहुत टीवी टाइम तो ऊपर हो ही जाता है समर वेकेशन में और बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो चलिए फिर से मुलाकात करेंगे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो खुश रहो मुस्कुराते रहो स्टे हैप्पी विद योर फैमिली टेक केयर बाय बाय